भर में हनुमान जयंती मनाई जा रही है। सुबह से ही मंदिर में भक्त पहुंच रहे हैं। कई राज्यों में शोभा यात्रा निकाली जा रही है। पिछले साल रामनवमी पर हुई हिंसा को ध्यान में रखते हुए दिल्ली के जहांगीरपुरी में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। इस वक्त हम दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में हैं। आपको बता दें कि आज हनुमान जन्म महोत्सव है और आज ही के दिन दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में एक बहुत बड़ा दंगा हुआ था। जो आपको मैं पीछे का वो हिस्सा दिखाना चाहता हूँ, ये हनुमान भक्त और राम भक्त हैं जो इस बैरिकेड के इस पार जो है हनुमान का, अगर हम बात करें जो सेवक, और इस दूसरी तरफ की जो तस्वीर दिखाना चाहता हूँ, ये दिल्ली पुलिस और आरएफ के जवान यहाँ पे तैनात है। ये मैं पीछे जो नज़ारा दिखाना चाहता हूँ, ये आप पीछे नज़ारा देख सकते हैं कि दिल्ली पुलिस और आरएफ के जवान जो हैं यहाँ पे मुस्तैद हैं, यानी शांतिपूर्ण तरीके से जो है हनुमान जन्म महोत्सव का जो है पर्व मनाया जाए। और यहीं पर जो अगर बात करें तो पहले जहांगीरपुरी का जो जो शोभा यात्रा थी उसको नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के डीसीपी द्वारा रद्द कर दिया गया था। वहीं पे जब रात ठीक 9 बजे दीपेंद्र पाठक लॉ एंड ऑर्डर की तरफ से एक नोटिफिकेशन आता है कि दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में जो है हनुमान जन्म महोत्सव मनाया जाएगा, लेकिन सुरक्षा बल के साथ और तैनाती में कोई चूक नहीं होना चाहिए। वही नज़ारा आप पूरे बैरिकेड को देख सकते हैं कि जो बैरिकेड लगा हुआ है, ये चप्पे चप्पे पे पूरी बैरिकेड किया गया है, यानी इस बैरिकेड के पार जो है ना तो दिल्ली पुलिस उस तरफ जा सकती है और न ही जो शोभा यात्रा निकाल रहे हैं राम भक्त जो है हनुमान भक्त वो इधर नहीं आ सकते। जिस तरीके से तैनाती देख रहे हैं बीएसएफ और आरएफ की जो ये जवान है, आप देख सकते हैं दिल्ली पुलिस जहाँ पर डिप्लॉय किया गया है, लगातार दिल्ली पुलिस जो है इस पर तैनाती है और ड्रोन के जरिए जो है यहाँ पे नज़र रखा जा रहा है। दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी जो है यहाँ पे मौजूद हैं और ये देख रहे हैं कि शोभा यात्रा के दौरान जो है शांतिपूर्ण तरीके से शोभा यात्रा हो, इसमें किसी भी तरीके का चूक ना हो। दूसरी तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जो छत पे चढ़े लोग हैं ये वो देख रहे हैं और दिल्ली पुलिस के कुछ जवान भी जो हैं जो टॉप ऑफ फ्लोर पे खड़े हैं, यानी किसी भी तरीके के संदिग्ध व्यक्ति की जो है ख़ास तौर पे नज़र रखी जा रही है। शोभा यात्रा के दौरान जहांगीरपुरी के अंदर जो एक साल पहले घटना हुई थी, उसी घटना स्थल पे आज दोबारा से जो है भगवा झंडा और राम जन्म महोत्सव और हनुमान जयंती मनाई जा रही है। जिस तरीके से आप मेरे पीछे देख सकते हैं, लगातार बड़ी संख्या में हनुमान भक्त जो है उस तरफ बैरिकेड के बाहर हैं। सच एक बात बताइए, पर आज राम फिर झंडा फहरेगा, लेकिन यहाँ पे क्यों रोका गया आपको, क्या कारण है? देखो, समझने वाली बात है, पूरे दिल्ली के अंदर हिंदू समाज इस पिछले वर्ष के हमले के कारण आंदोलित था, इसलिए दिल्ली में इस वर्ष 500 से ज़्यादा शोभा यात्राएं निकली हैं। ये जब जब हमें रोकेंगे पूरी दिल्ली के अंदर शोभा यात्राएं निकलेगी। दिल्ली का हिंदू समाज संगठित हो रहा है, इसलिए हमको जो मर्जी ये करे हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल का कार्यकर्ता हिंदू समाज को संगठन करने के लिए अपने प्राथमिक उद्देश्य के लेकर के काम करता है। हमने उनको कहा इस यात्रा को आप पूरा कराएंगे तो आपके लिए भी अच्छा है, हमारे लिए भी अच्छा है, समाज के लिए अच्छा। आप तो कह रहे हैं शोभा यात्री जो बोल रहे हैं कि फिर प्रशासन तो बैरिकेड लगा रखा है। कोई बात नहीं, बैरिकेड जिसने लगाए हैं, बैरिकेड लगाना हटाना ये उनको आता है। अच्छा, ठीक है, तो देखते हैं वो क्या करेंगे। तो ये शोभा यात्रा निकालने की परमिशन, सुरक्षा देना उनकी जिम्मेदारी है, उसके वो अनुभवी लोग हैं। शोभा यात्रा निकालने की परमिशन नहीं दी गई थी, लेकिन रात को 9 बजे अल्टीमेटम आया। अल्टीमेटम नहीं, परमिशन ही दी गई। उन्होंने परमिशन दी है और वो सहयोग कर रहे हैं, उन्होंने इतनी बड़ी व्यवस्था खड़ी की है, हम प्रशासन को हर प्रकार का सहयोग करेंगे, लेकिन हमारा कहना यही है कि शोभा यात्रा के पूर्ण होने में ही प्रशासन के लिए अच्छा। अच्छा, देखिए, ये विश्व हिंदू परिषद के प्रांत मंत्री सुरेश गुप्ता जी का कहना है कि ये यात्रा पूरा होके रहेगा चाहे प्रशासन कुछ भी कर ले, अब अगर नहीं तो देखने वाली बात होगी कि आगे की बात जो है किस तरीके से प्रशासन और हिंदू विश्व परिषद के प्रांत मंत्री में। कैमरा पर्सन राकेश चौधरी के साथ में जायसवाल, दिल्ली समाचार टीवी, जहांगीरपुरी। उत्तर पश्चिम जिले के डीसीपी जितेंद्र कुमार मीणा ने बताया कि जहांगीरपुरी इलाके में गुरुवार को 2 शोभा यात्राओं की अनुमति थी। एक यात्रा शांतिपूर्ण संपन्न हो चुकी है, कोई घटना नहीं हुई, दूसरी यात्रा के लिए तैयारी जारी है। सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है, ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है। हनुमान जयंती पर शोभा यात्रा निकाले जाने के लिहाज से दिल्ली का जहांगीरपुरी बेहद संवेदनशील इलाका है।
बुधवार को पुलिस ने कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए यहां पर शोभा यात्रा निकालने से मना कर दिया था, लेकिन बाद में तय रूट पर दो शोभा यात्राओं की अनुमति दे दी गई थी। जिस तरीके से मैं बात करना चाहता हूँ कि लगातार जिस तरीके से मैं आपको बता दूँ, शोभा यात्रा के दौरान जहांगीरपुरी के अंदर जो एक साल पहले घटना हुई थी उसी घटना स्थल पे आज दोबारा से जो है भगवा झंडा और राम जन्म महोत्सव और हनुमान जयंती मनाई जा रही है। जिस तरीके से आप मेरे पीछे देख सकते हैं, लगातार बड़ी संख्या में हनुमान भक्त जो है उस तरफ बैरिकेड के बाहर हैं। और मैं आपको दूसरी तस्वीर दिखाना चाहता हूँ कि कुछ झंडे और जो है बैनर लेके जो यहाँ पे महिलाएं खड़ी हैं, लोग खड़े हैं, बच्चे खड़े हैं और दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं वो इस तरफ हैं। और लगातार मैं पीछे का दूसरी तस्वीर दिखाना चाहता हूँ। ये वो तस्वीर है जो जहांगीरपुरी के अंदर जो है शोभा यात्रा निकाली जा रही है। यहाँ पे महिलाएं हमारे साथ क्या पिछली बार जो है यहाँ पे दंगा हुआ था और आज दोबारा जो है हनुमान जयंती जो है मनाई जा रही है, क्या लगता है आपको, क्या कहना है? इस बार दंगे होने का कोई वो नहीं, सिक्योरिटी खड़ी हुई है ऑलरेडी ना, यहाँ पर दंगा हो सकता है क्योंकि यहाँ पे इतनी हमारा पुलिस का सहयोग है, आर्मी वालों का सहयोग है, वहाँ दंगा हो सकता है। लेकिन पिछली बार की अगर बात करें तो पिछली बार ऐसे क्यों हुआ? इस बार में तो कोई कुछ नहीं कह सकते, चाहे कोई कह रहे हो कोई भी पार्टी रही हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं, हमें तो अपने राम नाम से मतलब है। अच्छा। हम अपने राम नाम के लिए इकट्ठे हुए हैं। जय श्री राम। ये वही महिलाएं हैं जो पिछले बार जो है राम जन्मभूमि यानी राम महोत्सव हनुमान जयंती में हिस्सा लिए थे और आज इस बैरिकेड के पास खड़े होकर के राम नाम का नारा लगा रहे हैं। और पीछे जो है वो डिप्लॉय किया गया है दिल्ली पुलिस और RF BSF और पैरामिलिट्री के जवानों को, जो दूसरी तस्वीर लगातार हम आपको दिल्ली समाचार TV नेटवर्क के जरिए दिखा रहे हैं। जिस तरीके से आप मेरे पीछे देख सकते हैं जो हुजूम है दिल्ली पुलिस मिलिट्री और लगातार RF के जवानों का जो टुकड़ियाँ यहाँ पे हैं और उस तरफ जो है श्रद्धालु हैं जो जिस तरीके से लगातार राम के नारे ले करके वो जो है शोभा यात्रा को और आगे प्रारंभ करना चाहते हैं। महज दिल्ली पुलिस का जो बैरिकेड है वो यहीं पे लगाया गया है, किसी भी तरीके का जो है भगदड़ ना हो और शांतिपूर्ण से राम जन्मोत्सव और हनुमान जयंती का शोभा यात्रा निकाला जाए। कैमरा पर्सन के ज्योति के साथ मैं प्रिंस जायसवाल, दिल्ली समाचार TV नेटवर्क। किसी तरह की कोई घटना ना घटे इसके लिए पूरी जहांगीरपुरी में बड़ी संख्या में फोर्स को तैनात किया गया है। सड़कों पर पुलिस गश्त लगा रही है और शोभा यात्रा के साथ भी चल रही है। दिल्ली पुलिस ने BJP नेता कपिल मिश्रा को जहांगीरपुरी जाते समय रोक दिया है। वह हनुमान जयंती पर VHP की शोभा यात्रा में शामिल होने के लिए जा रहे थे। DCP सीलमपुर की टीम ने कपिल मिश्रा को जहांगीरपुरी के रास्ते में बुरारी में रोक लिया था। दिल्ली पुलिस सुरक्षा के इंतजाम के हिसाब से कार्रवाई कर रही है और सुरक्षा का जायजा लेने के लिए ही उन्होंने जो भी डिले किया था वो हुआ। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि दिल्ली पुलिस को बधाई। जो लोग सोचते थे कि जहांगीरपुरी में शोभा यात्रा नहीं निकलेगी, दिल्ली पुलिस की सुरक्षा में क्या अभी आगे जाएगी, रूट का जो पुलिस की मर्यादा होगी उसका पालन करेंगे। बता दें कि पिछले साल जहांगीरपुरी हिंसा को देखते हुए इस बार भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। पिछले साल हिंसा में कम से कम 8 पुलिसकर्मी और एक व्यक्ति घायल हुए थे। बता दें जुलूस से एक मस्जिद क्षेत्र से गुजर रहा था, उस समय पथराव शुरू हो गया था जिसके बाद झड़प होना शुरू हो गई थी। दिल्ली से प्रिंस जायसवाल की रिपोर्ट।